हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम। वेलकम है आपका मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, सिर्फ 2 से 3 घंटे रह गए अवतार मूवी को इंडिया में रिलीज होने के लिए। जी हां, आज रात 12 बजे से ना दोस्तों बहुत जगह इसके जो शो है ना वो रिलीज़ कर दिए जाएंगे, लेकिन आज शाम को ना इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी जहाँ पे मूवी को काफ़ी लोगों ने देखा है। और दोस्तों, जो रिव्यू निकल के आ रहे हैं ना वो मैं आपको आज की इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ कि भाई फिल्म में क्या कुछ अच्छा देखने मिलने वाला है, क्या ये फिल्म इतनी भी ज़ोरदार है या बस ये सिर्फ हवा बन के रहने वाली है। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप के लास्ट तक जरूर देखना। आपको मैं क्लियर कर दूंगा क्या कहानी देखने को मिलने वाली है और फिल्म में क्या अच्छा और क्या बुरा। देखो, सबसे पहले बात करता हूँ मैं फिल्म की, क्या है बेसिक कहानी। देखो दोस्तों, कहानी शुरू होती है यानी 2009 के अंदर अवतार आई थी, 13 साल बाद शुरू होती है। राज यानी जैक और राजकुमार नेतिका ये अपने परिवार साथ दोस्तों खुशी से रहते हैं। यानी फिल्म की शुरुआत है दोस्तों ये सीन देखने मिलने वाला है, जहाँ दूर नहीं फिल्म की स्टार्टिंग के अंदर दोस्तों ये सीन है। ये अपने परिवार से खुश है, इनके 2 बेटे हैं और 1 लड़की भी है। अचानक दोस्तों इनके ऊपर लोग हमला कर देते हैं, इनके यानी कि गांव में जहां पर ये लोग रहते हैं पूरी तरीके से वो तबाह हो जाता है। तो ये लोग दूसरे कबीले के पास चले जाते हैं, लेकिन जहां पर ये लोग दूसरे कबीले के पास जाते हैं ना वहां का भी एक मुखिया और एक मार्गन होती है। वो लोग जैसे ये जंगलों में सबसे बेस्ट है छुपने के लिए, भागने के लिए, वो लोग पानी बेस्ट है यानी पानी के अंदर हर चीज़ एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अब जैक और उनकी पत्नी वहाँ सर्वाइव करने लग जाते हैं, यानी उधर उनके साथ रहने लग जाते हैं, उनके तौर तरीके सीखने लग जाते हैं, लेकिन वापस इंसान इधर भी आ जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। अब जैक इन सभी चीज़ों से कैसे संभलता है और कैसे अपने परिवार को और बाकी कबीले वाले हैं उनको कैसे बचाता है दोस्तों, ये इस फिल्म की मेन कहानी। दोस्तों यकीन मानिए, जिस टाइम ये मूवी 3D में चल रही थी ना, उस टाइम जो एक्सपीरियंस का जो लेवल था ना, यानी बंदे के पास शब्द नहीं बचते हैं कि मैं क्या बोलूं, ऐसे विजुअल इफ़ेक्ट लाइफ में कभी नहीं देखे। अवतार को दोस्तों देखो, उस टाइम तो ना इतनी उम्र थी कि उस टाइम 3D टेक्नोलॉजी जाके यार ये मूवी देखें, तो जब छोटे बच्चे थे अवतार को सिर्फ TV भी देखा था, लेकिन आज ऐसी टेक्नोलॉजी है कि दोस्तों मूवी 3D में देख सकते हैं। देखो, किस्मत वाला इतना नहीं हूँ कि 4DX में देखी है, ये IMAX 3D में देख कर आया हूँ। नज़दीकी सिनेमा घरों में दोस्तों जैसे जैसे लगी थी, स्पेशल स्क्रीनिंग थी, तो दोस्तों देखकर आए हूँ, लेकिन जो मज़ा आया है ना उसका कहने क्या है। इतनी सुपर फिल्म है, इतनी सुपर फिल्म है कि मेरे पास शब्द नहीं बोल रहे हैं। मैं आपको, अगर आपके पास पैसे नहीं ना, अपने दोस्त से पैसे उधार लेकर दोस्तों इस फिल्म को देखो, मैं बोलूँगा इतनी गजब फिल्म है। आप मूवी देखने में से विजुअल देखोगे ना इस फिल्म के, देखो कहानी आपको नहीं समझ है इसको मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये कहानी आपको तभी समझ आएगी जब आपको अवतार पहली देखनी पड़ेगी। मैंने आज सुबह अवतार पहली देखी थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं लगेगा दोस्तों अवतार 2 सीधी देख लूँ, भाई ये जो नीले लोग हैं वो कौन है, भाई इनके पीछे का पास्ट क्या था, ये तो है नहीं। फिल्म सीधी यानी चालू हो जाएगी पीछे कहानी से। फिल्म का पहले सीन ही दोस्तों गाँव से स्टार्टिंग होती है, तो सब कुछ अगर पहले से पता होगा ना भाई क्या कहानी है, तभी हम पार्ट 2 देख सकते हैं। दोस्तों, इस फिल्म के लिए मेरा एक छोटा सा रिव्यू था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्या आप इस फिल्म को देखने के लिए जाओगे या नहीं। जो भी आप कह रहे हो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, लगे मतलब चीज़ देखने मिली चैनल पर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। मिलता अगली वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।